हो लाखों हैं मगर तुम सा यहाँ कौन हसी है, लाखों हैं मगर तुम सा यहाँ कौन हसी है, तुम जान हो मेरी तुझे मालूम नहीं है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव। तो चलिए इस वीडियो में 3200 प्रीवियस क्वेश्चन वाला जो सीरीज चल रहा था हमारा एनटीपीसी का, उसको आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं। एक जो हमारा चल रहा था वो था 29/3/2016, जो सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे और हम आपको 113 तक पढ़ा रखे थे। इससे पहले की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट कहाँ होता है, जब आप वीडियो देखते होते हैं आप मोबाइल खड़ा होता है तो मेरे प्रोफाइल पर एक बार क्लिक कीजिएगा जहाँ मेरा फ़ोटो दिख रहा होगा, और ऊपर में आपको लिखेगा होम, उसके बगल में वीडियोस, उसके बगल में आ जाएगा प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में क्लिक करेंगे, नीचे आ जाएंगे, एनटीपीसी 7200 रेलवे टारगेट करके भी दिया हुआ है, तो सारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और आपको रेलवे से संबंधित सारे वीडियो मिल जाएगा। दोस्तों गणित में केवल रेलवे के लिए स्पेशल नहीं होता है, अगर हम इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन बनाएंगे तो हर एग्ज़ाम में ये प्रॉफिट एंड लॉस से पूछे जाते हैं। तो चलिए, और अभी जो हमारा क्वेश्चन होगा वो 114 नंबर से होगा। दोस्तों कंसेप्ट सही होना चाहिए, क्वेश्चन तो वही होता है, कहानी तो वही होता है हर एग्ज़ाम में। हाँ, लेवल अप या डाउन हो सकता है। दोस्तों कहता है 114 नंबर सवाल, आज का सवाल सबसे पहले, इसे पीछे के सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, अब देख लीजिएगा। कहता है कि यहाँ पर चावल के तीन ढेर जिनका वजन 120 किलो, 144 किलो और 204 किलो है, एक बैग की अधिकतम क्षमता ज्ञात करें ताकि प्रत्येक ढेर के चावल को बैग की सटीक संख्या में पैक किया जा सके। देखिए तीन प्रकार के चावल आपके सामने हैं। चावल कितना कितना है, 120, 144, ये 204। अब सवाल ये कहता है कि एक बैग की अधिकतम क्षमता ज्ञात करें ताकि प्रत्येक ढेर के चावल को बैग के सटीक संख्या में पैक किया जा सके। अधिकतम क्षमता बताना है उस पैक का, यानी कि किस पैकेट से, मतलब किस साइज का पैकेट लिया जाएगा कि इन सभी को पूर्ण संख्या में मापा जा सके, बताए समझ में, या पैक किया जा सके। आपको हमेशा इसका HCF बनाना है, HCF कितना हो जाएगा इसका, 12 हो जाएगा। ऑप्शन भी आपके सामने है, ऑप्शन से भी आप पकड़ लोगे कि 12 कैसे हो जाएगा। देखो ऑप्शन ए 12 है, ऑप्शन बी 10 है, ऑप्शन सी 15 है, ऑप्शन डी कितना है 18 है, ऑप्शन डी 18 है। दोस्तों पकड़ने का ये भी तरीका था कि पहले देखते कि कौन ऑप्शन इसको काटता है। तो जैसे मान लीजिए 18 को ले लेते हैं, ये सबसे बड़ा वाला ले लेंगे, चूँकि HCF बनाना है तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी को भाग दे दे वही HCF होता है। तो 18 में दोनों दो नवा 18, अब आपको ये सोचना है कि 9 से सब कटे और 2 से भी कटे तो 18 से कट जाएगा। 9 से 4 दो 6 कटेगा ही नहीं, ये कटेगा ये नहीं कटेगा, तो ऑप्शन डी गलत है। 15 से कटने का मतलब 3 और 5 से कटे, तो 3 और 5 से ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 3 से तो कटेगा लेकिन 5 से ये संख्या नहीं कटेगा, गलत हो गया। 10 से केवल ये कटेगा, ये दोनों नहीं कटेगा, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन ए हो गया आंसर। दूसरा तरीका, यहाँ इसको भी चेक कर लीजिए, 12 से कटने का नियम कि 3 और 4 से कटना चाहिए। अब आप कहेंगे सर आपको तो पता था कि किससे कौन कटेगा, तो आप बता दिए, हमको क्या पता। तो भैया टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ा रखे हैं नंबर सिस्टम वाला प्लेलिस्ट में, जाकर देख सकते हैं किससे कटने का क्या नियम है। आइए, 3 से 4 दो 6, 4 4 8 1 9, 2 1 3 सब कट गया 3 से, 4 से भी कटेगा क्योंकि अंतिम के दो अंक को भाग देना है, कट गया, हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, और चूंकि जब आपको बेसिक चीज़ें पता होता है ना, तो जब भी आप मिसलेनियस क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन आप बनाते हैं, सेट बनाते हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा बनाने में। देखिए अगला सवाल हमारे सामने क्या कहता है, कहता है कि यदि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 100, और कहता है ए अनुपात बी बराबर 1:3 है, तो पूछता है कि ए इंटू बी का मान क्या होगा। चलिए ए इंटू बी का मान बताते हैं दोस्तों हम इसे, और ए इंटू बी का मान बताने के लिए एक बात बताइए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर 100 है तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना आ जाएगा,
स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, 100 का वर्गमूल 10, ए प्लस बी का मान 10, यानी दोनों को जोड़िए, ए का 2 कितना हुआ, सॉरी ए का 3 कितना हुआ, 4, 4 बराबर 10 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ए और बी का योग हुआ अनुपात में 4, ए और बी का योग रियल में है 10, ये दोनों योग है इसीलिए आपस में बराबर, योग के बराबर योग करना है, अंतर के बराबर अंतर लिखना होता है, 4 का वैल्यू 10 तो 1 का वैल्यू कितना, तो 10/4 यानी कि 5/2, अनुपात 1 का वैल्यू पता चल गया हमें 5/2, तो यहाँ भी निकल के आ जाएगा दोस्तों 1 का वैल्यू 5/2 और 3 का वैल्यू 5 × 3 = 15/2। अगर कहता है a इंटू बी का मान बताइए, तो a का मान आया हमारे सामने 5/2, बी का मान आया है 15/2, तो 15 × 5 = 75/2 यानी कि 37.5 हो जाएगा, 37.5, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आसान। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, देखते हैं अगले सवाल को। आइए दोस्तों अगला सवाल हमारे सामने, एक परीक्षा में 40 छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्य 72.5 है, बाद में यह पता चला कि गलती से एक छात्र के अंक 84 की जगह 48 लिख लिए गए थे, सही माध्य ज्ञात करिए। चलिए दोस्तों 40 गो छात्र है, अरे माध्य यानी औसत, 116 नंबर सवाल कहता है 40 छात्र का औसत निकाला गया अंकों का 72.5। अब हुआ ये कि एक विद्यार्थी के 84 के लिखने के जगह 48 नंबर लिखा गया, अरे भाई कम ना लिखा गया, 84 के जगह लिखना था उसका 84 नंबर लेना था, आ ले लिया 48, तो कितना नंबर कम, 36 नंबर कम हो गया। अब सुनिए 36 नंबर कम हुआ तो एवरेज में भी तो कमी हुआ नहीं, योग में कमी 36 का तो एवरेज में कमी कितना का, तो 36, माध्य मतलब एवरेज, 36 के एवरेज में कमी आया, सॉरी योग में कमी आया है तो एवरेज में कितना का, तो कितने विद्यार्थी था 40, तो 40 में भाग दे दीजिए, इसको 40 से भाग दे दीजिए, ये हो जाएगा 0.9, क्यों 4 नामा 36 और ये हो जाएगा 0.9, तो इतना के कमी आया है दोस्तों। तो अगर आपको करेक्ट एवरेज पता करना है, CORRECT करेक्ट एवरेज पता करना है भैया, तो पहले वाला एवरेज में इतना कम है ना, इतना जोड़ दीजिए 0.9 जोड़ दीजिए, 9 × 5 = 14 + 1 = 2 + 3 ये 73.4 हो जाएगा करेक्ट एवरेज, नो डाउट। आगे बढ़ते चलिए, एक 117 नंबर सवाल कहता है 3/7 × 1/3 + 3/3 × 1/7 इसका मान की होगा, ए भाई ऊपर वाला 3 21 / 22/3 ये आप लोग अपने बना दीजिएगा, हमको पता है ऊपर वाला 3 21 22/7। अब ये देखो ये 3 जाकर ऊपर गुना हो जाएगा, 3 × 9/22 प्लस ये 7 ऊपर गया, 21/22 हुआ, 22 × 22 ऊपर 21 हो गया 30, काट उठ के हो गया 15/11, सबको पता है ना, सबको मालूम है, सबको खबर हो गई। अगला सवाल कि आजकल तेरे मेरे चर्चे हर जुबान पर, आइए दोस्तों अगला सवाल 118 आ जाइए, 118 कहता है 8 × 1/3 × 4 × 1/5 / 5 × 1/4 भाई 8 × 3 = 24 / 3 × 4 = 20 / 1 = 21/5 और सुनो 5 × 20 = 21/4 है, तब भाग में ना गुना में ले जाएंगे तो 4 ऊपर है 21 नीचे, पलट दिए गुना में रख लिए, 21 से 21 गया 5 = 25 तो 5 × 20 ऊपर में हो गया 5 × 20/3 बोले तो 6 × 2/3 आपका आंसर तैयार है। आ जाइए अगले सवाल को देखते हैं, सुनिएगा दोस्तों अगला सवाल देखिएगा कि दिल ने तेरी पूजा की, दिल ने तुझको रब माना, दिल की ये नादानी थी जो दिल लगी को ना जाना,
आइए अगला सवाल लाइए। 119 नंबर कहता है कि दो वर्ष में एक मूलधन पर 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और समान समय में यानी दुई वर्ष में उसी मूलधन पर साधारण ब्याज से 10 रुपया ज्यादा है तब मूलधन ज्ञात करें। कहता क्या है जानते हैं कि टाइम है भैया 2 साल, 2 वर्ष में 5% के दर से चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से यानी CI जो है SI से 10 रुपया ज्यादा है, यानी इन दोनों का अंतर 10 रुपया का है। अरे भाई, आपसे अगर 10 रुपया ज्यादा है मेरे जेब में, इसका मतलब मुझ में और आप में 10 रुपये का अंतर ना हुआ, बिल्कुल हुआ। अब सुनिए, तो ये दिया हुआ है रुपया में अंतर CISI का, आप भी CISI का अंतर निकाल लीजिए। सुन लीजिए, CISI पढ़ा रखे हैं, CI और SI का अंतर जो होता है ना दोस्तों, 2 साल के लिए फॉर्मूला होता है रेट के स्क्वायर और दशमलव दो अंक बाद बस हो गया। सुनिए, अरे रेट के स्क्वायर 5 के स्क्वायर कितना होता है 25, और दशमलव दो अंक बाद बैठा देना इधर से, यानी CISI में अंतर हुआ इतना प्रतिशत का 2 साल के लिए। फॉर्मूला है 3 साल 4 साल पर ना लगा दीजिएगा इसको, 2 साल का फॉर्मूला है भाई साहब। तो CISI में अंतर इतना का हुआ जबकि रुपया में अंतर 10 रुपया का। अरे इतना प्रतिशत का वैल्यू 10, मूलधन ज्ञात करना है तो 100% का मान निकालना होगा, इसलिए 100% का मान 10/0.25 गुना 100। अभी दशमलव हटाना है तो 2 जीरो ऊपर सटाना है और अब बट्टा 25 आ गुना 100, 25 चौका 100, 4 गुने 1000 बोले तो 4000 आ जाइए। आगे बढ़ूं? बिल्कुल, अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल देखिएगा क्या कह रहा है। अगला सवाल कहता है 120 नंबर, कहता है कि ए और बी के आयु का अनुपात 1:2 है, 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। बहुत ट्रिक लगाते हैं इस पर, ट्रिक से तो बनवे करता है। आई तो बड़ा कंसेप्ट है सिंपल सा कि ए और बी के आयु का अनुपात कितना है, 1:2 है, और कहता है 7 वर्ष के बाद 3:5 हो जाएगा ए और बी का आयु। ए और बी का आयु कितना हो जाएगा, 3:5। कब हो जाएगा भाई, कब हो जाएगा, 7 वर्ष बाद। जब 2 गो रेशियो हो तो पहला वाला रेशियो में एक्स सटा दीजिए, यानी 1x है ये बट्टा 2x हो गया, अनुपात का मतलब बट्टा होता है। अब ये रेशियो कब होगा, 7 साल बाद, यानी वर्तमान वाला में 7 जोड़ देंगे तो 7 वर्ष बाद की दोनों की आयु हो गया कि नहीं। अरे 7 वर्ष बाद की आयु हो गया ए का, 7 वर्ष बाद की आयु हो गया बी का, क्योंकि आपके वर्तमान आयु में अगर हम 7 जोड़ देंगे तो आपका 7 वर्ष बाद का आयु पता चल जाएगा। अब ये 7 वर्ष बाद का आयु हो गया जबकि 7 वर्ष बाद इसी आयु का रेशियो बोला है 3:5। दोस्तों सिंपल ये देखो, 5x 3×2=6x, तब 5x में से 6x चल गया, ए गो एक्स हो गया। आ देखो, इस 7 को 5 बार पर हो गया, इस 7 को 3 बार, तो 2 बार का ना अंतर, तब 7×2 कितना हुआ, 14, यानी 3×5 में 2 का अंतर, तो 7×2=14 लिख लो। एक्स की वैल्यू 14 हुआ तो यहाँ भी ए गो एक्स का वैल्यू 14 और 2 गो एक्स का वैल्यू 14×2=28। अरे भाई हो गया 14 और 28। हाँ जाइए अगला सवाल देखिए। अगला, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, सब लोग लाइक नहीं करते हैं, अच्छा लगता है क्लास तो लाइक करिएगा, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। दोस्तों मैं बहुत मेहनत के साथ इतने एंटरटेनमेंट के साथ आपको इसलिए पढ़ाता हूँ कि आपको मन लगे पढ़ने में, आपको उबाऊ फील ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा देर तक आप स्टडी कर सके। दोस्तों उसी तरह आपसे भी मुझे चार्ज होना पड़ता है, ठीक है। इन्वर्टर देखते हैं, बैटरी को चार्ज करता है लेकिन इन्वर्टर भी चार्ज होते रहता है, इन्वर्टर को भी अपना चाहिए ऊर्जा जो बैटरी को वो चार्ज कर सके। तो दोस्तों उसी तरह ध्यान दीजिएगा। आगे कहता है 22 सेंटीमीटर की परिधि वाले एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 22 सेंटीमीटर परिधि वाला, ये परिधि घेरा है 22 सेंटीमीटर, तो घेरा तो होता है 8×44/7। अब कहेंगे ये कौन फॉर्मूला आ गया भैया,
अरे वही फॉर्मूला है 2πr जो रटे थे, इसको थोड़ा सा हम मॉडर्न कर दिए हैं। 2πr, पाई का मान 22/7, 22 × 44/7 गुना आर हो गया। कोनो दिक्कत है आपको? अर्धवृत्त रहेगा तो आर गुना 36/7, हाँ 22/7 मत कर दीजिएगा। सुनिए सुनिए, अब देखिए, तो ये वृत्त की परिधि है, जबकि परिधि बोला 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर दोस्तों, 22 × 44 हुआ, आर बराबर 7 उधर ऊपर में, 2 चल जाएगा बट्टा में, बराबर के उधर जाने पर त्रिज्या निकल गया। कहता है उसका क्षेत्रफल बताइए, क्षेत्रफल पता है ना, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7/2 × 7/2, अरे 7 से 7 कटा 2 से 22, 11 × 11 = 77/2, यानी 38.5 हुआ। बात करते हैं, गणित नहीं आएगा है, इतना हार्ड है, कुछ ना है, केवल कॉन्सेप्ट से सीखिए, बेसिक से पढ़िए। हार्ड क्वेश्चन भी बनाने के लिए दोस्तों, पहले जब तक आप एक नीचे लेवल के क्वेश्चन को, लो लेवल के क्वेश्चन को आप नहीं पकड़ पाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा, आप हाई लेवल क्वेश्चन कहाँ से बनाइएगा? इसी से तो मिलकर हाई लेवल क्वेश्चन बनता है। आइए, यही कॉन्सेप्ट जरूरी होता है वहाँ पर। 122 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है, जरा देख लेते हैं। कहता है कि 50 आदमी एक काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 18 आदमी द्वारा इसी काम को समाप्त करने में कितना दिन लगेगा? सुन लीजिए, कुल काम की मात्रा होता है वर्कर गुने दिन। कुल काम की मात्रा, अरे कुल काम की मात्रा बराबर मैन इंटू डे, और हाँ मैन के जगह मशीनों हो सकता है, औरत हो सकता है, काम करने वाला कोई होना चाहिए, यानी वर्कर गुने दिन कुल काम की मात्रा हुआ। जैसे 10 आदमी कोई काम 3 दिन में करेगा, तो काम हो गया 10 × 30 आदमी का। ना कहते हैं कि हमारे खेत में 5 जन का काम है, 5 जन का काम समझे, इसका मतलब है कि एक आदमी से 5 दिन करवा दो, चाहे 5 आदमी एक ही दिन लगा दो, यही बात है। अब सवाल ये कहा था कि 50 आदमी कोई काम 20 दिन में करता है, तो ये हो गया टोटल काम दोस्तों। कहता है 18 आदमी उसी काम को कितने में करेगा, तो कुल काम में आदमी से भाग दिए, अब दिन निकल जाएगा, मैन से मैन कट गया भैया। अब सुनिए, 18 × 9 तो 20 × 10, अब हो गया 500/9, यानी 55.5/9 दिन, ये दिन आ गया, इतना दिन हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत तो ना? आते हैं अगले सवाल पर, देखते हैं क्या कहता है हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों। 123 नंबर सवाल कह रहा है, सरल करें किसको, इसको, a^6 × a^-4, अब भागा है 1^3। सुनिए, 1^6 ठीक है, अब पावर में -4 है ना, तो बट्टा में लिख दीजिए, माइनस हट गया 1/2, अब गुना में है, भाग में है, गुना में ले जाइए तो यह पलट जाएगा, यानी इतना हो जाएगा, क्योंकि इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 होगा, इसके भी बट्टा में कुछ नहीं तो 1 हो गया, यानी नीचे आ गया चिन्ह चिन्ह, यहाँ क्या हुआ, बस बेस पलट गया, ये पलट गया, नीचे में आ गया। क्यों पलट दिया मैंने, क्योंकि भाग में था, गुना में लिखने के लिए इसको पलटना पड़ा। अब देखो, ऊपर में 6 बार और नीचा 7 बार, तो नीचे में एगो ए बच जाएगा, ऊपर में कुछ ना बचेगा, 1 बचेगा, नहीं समझे? अरे भैया सुनिए, ऊपर में ए हो गया 6 बार और नीचे 4 बार और 3 बार, ए हो गया 7 बार, कैसे कैसे? जब बेस समान, नीचे नीचे वाला गुना होगा ना, देखिए जब बेस समान गुना में पावर में पावर जुट जाता है, तो 4 × 3 = 7 हुआ, ऊपर में 6 ए है, नीचे में 7 है, तो इससे इसको काटिएगा तो 1 ए नीचे में बचेगा ना, यानी 1/a हो गया। बात आया समझ में? बड़ा आसान था, बहुत सिंपल क्वेश्चन सब था। तो चलिए दोस्तों, और फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। ये वीडियो अच्छा लगा है सच में, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, हम आपके कमेंट को पढ़ते हैं, और कमेंट पढ़ के देखते हैं, आपके कमेंट को हम लाइक करते जाते हैं, अच्छा लगता है। और याद रहे कि अगर आप नए व्यूअर हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन में रख लीजिए,
ताकि हम सुबह के 10 बजे शाम के 5 बजे वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिले। इधर यूट्यूब में थोड़ा सा अपडेटिंग का मामला था जिस वजह से आप लोग को नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा था, तो बहुत विद्यार्थी ये पूछ रहे थे कि सर वीडियो नहीं डाले। वीडियो तो हम डाल ही रहे थे, केवल नोटिफिकेशन आप लोग के पास तक नहीं जा रहा था, इसीलिए बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इसके कोई भी चार्ज नहीं लगते हैं आपको, ऐसा नहीं कि मुझे पैसा मिल जाएगा आपके नोटिफिकेशन दबाने से, बेल आइकन दबाने से, ऐसा कुछ नहीं होगा। और मिल भी जाएगा तो क्या दिक्कत है कि नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।